हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म के जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज की गई है और थिएटर पे कब तक रिलीज की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और VT विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर हरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोगी करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और VT विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था।
आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल संभाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरी ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोगी करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने
नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वी टी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, हवकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वी टी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो
दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमशः छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएन टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियो गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है।
बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल घरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोगी करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे
दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल हरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो आईबीएन टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और गाने और कॉमेडी
दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार विंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर हरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण
व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात कर मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल संभाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नए गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति
जारी की गई थी। यूएन शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरी ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि
व हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर हरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। अभी बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो
वासुदेवन वासु रत्ना स्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर हरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमशः छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियम गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे।
फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल घरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो आईबीएन टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियम गाने और कॉमेडी दृश्य
हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरी ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज़ के रूप में रिलीज़ होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार विंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोगी करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण
व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति
जारी की गई थी। यूएन शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमशः छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, हवकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियम गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेच दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि
व हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल घरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो
वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोगी करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन हवकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे।
फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्यम डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी नाम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियम गाने और कॉमेडी दृश्य
हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी की रिलीज के बारे में, तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार विंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण
व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात कर मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन हवकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरी ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस
विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वी टी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीन टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वी टी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि
व हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमशः छायाकार और फिल्म के संपादक होने की दृष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। अभी बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियो गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो
वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी दिव्य डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है। राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है। मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम तमिल घरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे।
फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और गाने और कॉमेडी दृश्य
हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी की रिलीज के बारे में, तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होम मेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण
व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात कर मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल संभाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियो गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की मां के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोगी करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था, जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति
जारी की गई थी। यूएन शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। अभी बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीन टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल संभाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन, भावुकता, हास्य, रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरी ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार 1 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल, कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी, दिव्या डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि
व हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थमिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है, जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और ओरनीय गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे। फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसे Z5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। हिम्मतवार एक 2014 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे हरि द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विशाल द्वारा निर्मित है, जिन्होंने श्रुति हसन, सत्यराज, राधिका, मुकेश तिवारी और सूरी की कलाकारों की टुकड़ी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए साउंडट्रैक और स्कोर की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश प्रियन और वीटी विजयन द्वारा संभाला गया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो
वासुदेवन वासु रत्नास्वामी के रूप में विशाल कोयम्बटूर स्थित साहूकार और कोई समूह के उत्तराधिकारी दिव्यम डी के रूप में श्रुति हसन एक अमीर लड़की और वासु की प्रेमिका, शिव को चुन्नू के रूप में सत्यराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कॉन्स्टिट्यूट में स्थानांतरित हो गया है, राधिका राज लक्ष्मी रत्ना स्वामी वासु की माँ के रूप में है, मुकेश तिवारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और व्यवसायी अन्नम थंडवम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो दिसंबर 2013 में विशाल ने कहा कि वह हरि द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण और फीचर करेंगे और यह जोड़ी अपने पिछले उगम थामिर भरानी 2007 की सफलता के बाद फिर से सहयोग करेंगी। हरि ने फिल्म को एक त्रिकोणीय एक्शन स्टोरी के रूप में वर्णित किया था जो कोयम्बटूर में शुरू होती है और पटना में समाप्त होती है, जबकि युवान शंकर राजा ने उत्पादन शुरू होने से पहले ही फिल्म के गीतों की रचना पूरी कर ली थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 28 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्म के कलाकारों और चालक दल ने नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवान शंकर राजा को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था, जबकि प्रियन और वीटी विजयन को क्रमश छायाकार और फिल्म के संपादक होने की पुष्टि की गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए खुद श्रुति हसन को चुना गया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पूजा मतलब हिम्मतवार को तेलुगु में पूजा के रूप में डब किया गया था, जिसे एक साथ मूल संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। पूजा शीर्षक वाले तेलुगु डब संस्करण का फर्स्ट लुक पोस्टर 11 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। आंध्र बॉक्स ऑफिस के अनुसार तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने 5.51 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो आईबीएम टाइम्स ने इसे एक सामान्य विज्ञापन कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि पूजा मतलब हिम्मतवार कमर्शियल समाला है जिसे अच्छी तरह से किया गया है। इसमें एक्शन भावुकता हास्य रोमांस है और निर्देशक चीजों को गुदगुदाने का प्रबंधन करता है। कार्रवाई अक्सर अथक होती है और नियो गाने और कॉमेडी दृश्य हमारे लिए सांस लेते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म के लॉन्च के दौरान हरि ने कहा कि फिल्म अक्टूबर 2014 में दीपावली रिलीज के रूप में रिलीज होंगी। जुलाई 2014 के अंत में फिर से यही कहा गया था। तमिलनाडु थिएटर वितरण अधिकार वेंडर मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। विशाल और श्रुति हसन के चित्र 18 अप्रैल 2014 को जारी किए गए थे। फिल्म का आधिकारिक मोशन पोस्टर टीजर 1 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 11 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे दिए गए थे।
फिल्म को दुनिया भर में 1100 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब आप जहाँ पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे Zee5 पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।